चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात ज्यादा से ज्यादा मार्च 2024 तक मुनक्कद करवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के नुमाइंदा इज्तिमा से गुफ्तगू में जनरल आसिम मुनीर ने नस्ट यूनिवर्सिटी को $9 मिलियन का तालीमी वजीफा जारी करने वाले मुमताज बिजनेसमैन चौधरी तनवीर अहमद के किरदार की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग हमारे लिए हीरो का दर्जा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम पार्टियों में गंदे लोग मौजूद हैं मगर उनमें से कुछ अच्छे भी हैं। जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान अम्बेसी आमद के मौके पर पीटीआई के चांदर खान ने इंसानी हकूक के नाम पर मुजाहरा भी किया। डिजिटल ट्रक पर आसिम मुनीर से मुतालिक मुख्तलिफ नारे और मुतालबात दर्ज थे। पीटीआई के टाइगर्स ने पाक वतन को फोन करके बताया कि उन पर मुजाहरे के लिए अमजद नवाज और वाशिंगटन के एक रहनुमा की जानिब से बहुत दबाव था मगर हमने पाक फौज के खिलाफ किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। वाशिंगटन से पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुतहर्रिक शख्सियत सजाद बलोच का कहना था कि उन्होंने सिपा सालारे पाक फौज को इस अहम दौरे पर खुश आमदीद कहा मगर किसी शर पसंद ने उसे मुजाहरे के लिए इस्तेमाल कर लिया जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। एक और मारूफ पाकिस्तानी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हम पीटीआई और फौज के ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं मगर कुछ लोग हमारी कोशिश को मुसलसल नाकाम बनाने में मसरूफ हैं। हम चाहते हैं कि पीटीआई इस भारी पत्थर के नीचे से निकले, 40 से 50 सीटें मिलती हैं तो ले लें और आहिस्तगी से वापसी को यकीनी बनाएं। ज़राए ने पाक वतन को बताया कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे वाशिंगटन के दौरान लंदन से सारा मीर गिलगिती, कैलिफोर्निया से साबिक उम्मीदवार कांग्रेस डॉक्टर आसफ और न्यूयॉर्क से तौकीरुल हक ने सोशल मीडिया पर नाजेबा मैसेजेस करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की मगर इन तीनों का पीटीआई की किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। मुजाहरे में जर्सी, मैरीलैंड, डेलावेयर और डीसी के नामालूम अफराद ने शिरकत की। जानी बशीर, मुनीर खटाना, अब्दुल्ला रियाड, सजाद बरकी या शहबाज गिल समेत किसी ने शिरकत की न उसकी अपील की। अलबत्ता सरमायाकार जावेद अनवर में चंद नुमाया पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिले और गुंजाइश पैदा करने की दरख्वास्त की। जनरल आसिम मुनीर वजीर दिफा और सेक्रेटरी स्टेट के अलावा पेंटागन में अहम फौजी क्यादत से भी मिले। वो आज न्यूयॉर्क में जनरल सेक्रेटरी अक्वामे मुत्तहिदा से भी मिलेंगे और इतवार को पाकिस्तान लौट जाएंगे। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क।